जी गुड मॉर्निंग एवरीवन। और मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग हो चुके हैं हमारे बीच में, और मेरी आवाज रिफ्लेक्ट हो रही है, एक बार देख लेता हूँ कहाँ से हो रही है। मेरी आवाज आपको? जी सर, आपकी डबल आवाज आ रही है सर। हाँ, यही मैं सोच रहा हूँ कि आवाज डबल क्यों आ रही है। अभी भी आ रही है डबल? अब नहीं आएगी सर। अब नहीं आ रही है ना? हाँ, मैंने उसको पकड़ के भगा दिया, राइट। चलिए ठीक है। दोनों माइक ऑन थे सर आपके? जी नहीं नहीं दोनों माइक ऑन थे सर, इसलिए आवाज रिफ्लेक्ट कर रही थी। ठीक है, अब तो क्लियर है? यस सर। जी क्लियर है, मैं ऑडिबल हूँ? यस सर क्लियर। चलिए ठीक है। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, और सब लोगों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने आज का सेशन विटनेस करने जा रहे हो। और कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था, और जितने लोग हमारे साथ कनेक्टेड थे बहुत सारी चीजें उन्होंने सीखा, और इतनी अच्छी अच्छी बातें हमने आप लोगों को बताई, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोगों ने उसको डायरी में नोट किया होगा जो जो बातें मैंने आपको बताया। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि आज का सेशन उसी की कड़ी में थोड़ा सा एक कदम आगे है। हम सेशन लेकर के आएंगे आज ड्रीम ऑफ द डे में, हम बहुत स्पेशल गेस्ट से मिलेंगे आज, और बहुत स्पेशल लीडर हैं वो ड्रीम ऑफ द डे में। और लीडर ऑफ द डे का चुनाव मैं ऑल ऑफ ए सडन ही करूंगा, मैं किन्हीं को भी कर लूंगा, राइट। तो आप सभी लोग तैयार रहिएगा लीडर ऑफ द डे में, कि कोई भी हो सकते हैं हमारे लीडर ऑफ द डे, जिनसे मैं 2-4-5 मिनट बातें करूंगा, राइट। तो चलिए बहुत बढ़िया, और मुझे पता है कि आप सभी लोग कनेक्ट हो चुके हैं। ये मजा पहले कहाँ आता था दोस्तों, की चाय पीते हुए मस्ती करते हुए हम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। आप लोग भी घर में बैठे हैं, चाय का मजे भी लेते होंगे, हम तो स्क्रीन पे भी दिखते हैं आपको, आप लोग तो अपना स्क्रीन भी क्लोज करके रखते हो, कुछ ही लोग होते हैं जो स्क्रीन ओपन करके रखते हैं, राइट। तो जाहिर सी बात है सब, आप दौर धीरे धीरे चेंज हो रहा है। आज हमारे पास जूम है, जूम पे हम वो सब कुछ सीख पा रहे हैं जो हमें पहले कभी सोचा भी नहीं था सीखने को। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज का, और वो आज का जो सेशन है कि हाउ टू डू वेस्टेज, नो वेस्टेज को हम कैसे करें, और उसी कड़ी में मैं एक कदम और आगे जा रहा हूँ कि कौन सी ऐसी चीजें होती है जिसको करने के बाद हम वेस्टेज में कामयाब होते हैं। यदि इसको आपने हकीकत में जान लिया, एक्चुअली होता क्या है कि लर्निंग प्रोसेस थोड़ा सा जो बोरिंग प्रोसेस है ना, इस चीज को लोग तवज्जो बहुत कम देते हैं, उन्हें लगता है कि सीखना बहुत पहाड़ का काम है, वैसे हम सब बिजनेस कर लेंगे। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि आज देखो, आज यदि आप नहीं सीखोगे तो बड़ा कभी कर ही नहीं पाओगे। आप आज के सेशन में वो सीख पाएंगे जो वेस्टेज के थ्रू आपको कामयाब बनाएगा। जो जो चीजें मैं आज बताऊंगा, यदि आपने तसल्ली पूर्वक यदि आपको उसके ऊपर गौर किया, तो मैं 100% गारंटी देता हूं कि वेस्टेज में एक नए मुकाम पे आप जा सकते हैं। लेकिन जरूरत ये है कि जो हम बताते हैं क्या आपने उसको फोकस किया। तो मैं थोड़ा सा मैं आपसे टाइम लूंगा और स्क्रीन शेयर करूंगा आप लोगों के बीच में, और मैं बताऊंगा कि आज के सेशन में हम आप लोगों के लिए क्या लेकर आए हैं। जानना ये जरूरी है कि वेस्टेज को करने के दौरान जब हम शुरुआत करते हैं तो वो कौन कौन सी बातें होती है जिसके ऊपर हम गौर करते हैं। यदि उसके ऊपर हम गौर नहीं करेंगे तो हम बड़ा नहीं कर पाएंगे। कल के सेशन बहुत लाजवाब सेशन था, और उसमें हमने ये जाना कि वेस्टेज में ज्वाइनिंग तो हम कर लेते हैं, ज्वाइनिंग के बाद हम परचेज भी कर लेते हैं। परचेज करने के बाद जो हमारा पहला टारगेट होता है वो लोगों को टच करने का, लोगों से बात करने का। तो वो कैसे हम बात करते हैं, तो हमने आप लोगों के बीच में एक सेशन लेकर आया था जिसमें बताया था कि जैसे आपका प्रेजेंटेशन क्लोज होता है तो उसके बाद आपका एक काम स्टार्ट होता है, वो फॉलो अप का, राइट। और फॉलो अप के प्रोसेस में प्रेजेंटेशन शुरू होने से पहले मैंने प्रोसेस बताया था कि आपको पहले पूरी लोगों को लिस्ट बनानी है, वो लिस्ट कैसे बनानी है, लोगों को इन्वाइट कैसे करना है, इनवाइट करने के बाद प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, प्रेजेंटेशन देने के बाद यदि उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो इंडक्शन मीटिंग कैसे कंडक्ट करनी है उनके साथ फिर, और यदि ज्वाइनिंग नहीं होती है तो कैसे उनको फॉलो करना है, 2-3 दिन तक लगातार फॉलो करना है उनको, और अगले आने वाले हर एक 2-3 दिन पे उनके पास व्हाट्सएप पे
अलग अलग टाइप का मैसेज, कभी किसी लीडर्स के अचीवमेंट का मैसेज, किसी के प्रोडक्ट के बारे में, और आपको कैसे बात करनी है जब प्रेजेंटेशन देनी है तो कैसे बात करनी है, ये सब चीजें हमने कल सीखी थी कल के सेशन में, हाउ टू डू वेस्टेज में। और बहुत लाजवाब सेशन था, और बहुत लोगों का ये फीडबैक आ रहा है कि सर ये सब चीजें मैं कर ही नहीं पा रहा था जो आपने बताया। सपोज दैट मैं लिस्ट नहीं बना पा रहा था लोगों का, लिस्ट बनाने के बाद मैं अपलाइन को यूज करके इनविटेशन करके घर पे कोई मीटिंग नहीं रख रहा था, होम मीटिंग। अब लोगों को ये पता हो गया कि लोगों को इनविटेशन देना है, उनको एक मीटिंग में लाना है, और अपने अपलाइन को 5 से 6 दफा प्लान दे करके उनको मीटिंग करनी है, उसके बाद फिर सेल्फ मीटिंग करनी है। ये सारे सब कुछ सेशन मैंने मैं लेकर आया था कल आपके बीच में। और मैं समझता हूँ कि कल का जो बेसिक सेशन था आप उसको 2 बार 3 बार भी देख सकते हैं कि वो यूट्यूब लाइव भी है, तो जरूरत है कि उसको आप अपने उतारिए, अपने दिल में उतारिए, अपने मन में उतारिए, मस्तिष्क में पूरा फोकस कीजिए, तो बड़ा कर पाएंगे। अभी मैं देख रहा हूँ बिहार से बहुत सारे लोग कनेक्टेड होते हैं, एक एक मोबाइल पे 5-5, 6-6 लोग बैठे होते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण होता है वहाँ नेटवर्क नहीं होता, तो नेटवर्क एक बड़ा सा इशू बन गया वहाँ पे। तो मैं आप लोगों को लाइव सेशन आने से पहले मैं थोड़ा समय अब आपके बीच में लेकर के आता हूँ, अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, वो सिर्फ चीजें जो आज मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद आप कौन कौन से चेंजेज अपनी लाइफ में लाएंगे, कौन सा ऐसा परिवर्तन अपनी जिंदगी में करेंगे जिससे कि वेस्टेज में एक बहुत बड़ी कामयाबी आपको मिलेगा। आज जो 7,000 लोग वेस्टेज में हैं, 6 से 7,000 जो आज 1,00,000+ का पे आउट ले रहे हैं, 6 से 7,000 लोग हैं जो 4-व्हीलर चला रहे हैं, 200 के आसपास उससे ज्यादा आज लग्जरी कार अचीवर हैं, कौन सा काम किया उन्होंने, किस तरह से उन्होंने अपने आप को वेस्टेज में अटैच किया जिससे आज इतनी बड़ी कामयाबी ले पाए वो। तो जाहिर सी बात है इन सबको सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से अप्रोच हैं जिसको स्टार्टिंग फेज में वेस्टेज में शुरू करने से पहले आपको एक प्रोफेशनल ट्रेनर बने। आप प्रोफेशनल बनना बहुत जरूरी है। जनरली मैं आपको बता दूं वेस्टेज जैसे प्लेटफॉर्म या नेटवर्किंग जैसे प्लेटफॉर्म में हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम प्रोफेशनल नहीं बन पाते। तो प्रोफेशनल कैसे बनेंगे हम, क्या क्या चेंजेज अपने अंदर लाएंगे जिसको चेंजेज ला करके हम वेस्टेज को करेंगे, राइट। तो आज हम आप लोगों के बीच में वही एक सेशन लेकर के आया हूं कि आप किस तरह से प्रोफेशनल टच अपने बिजनेस को दे करके अपने बिजनेस को बहुत बड़ा करेंगे, राइट। तो मैं एक बार, 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूं, राइट। और मुझे पता है आप लोग सब बने हुए हैं, और यहाँ पे अब आपके बीच में मैं जो लेकर के आया हूँ आपके साथ, मैं चलिए अब शुरुआत कर देते हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, और वो है आपके बीच में जो सेशन है हाउ टू डू वेस्टेज, राइट। और ये मेरा नाम है राजेश कुमार, जो लोग नहीं जानते हैं मुझे मैं उनको मैं बता दूं कि नाम राजेश कुमार है और क्राउन डायरेक्टर का लेवल है। और आज से 2.5 साल पहले जब मैं वेस्टेज में आया था तो शायद इतनी बड़ी अचीवमेंट हमारे साथ नहीं जुड़ी थी। 2.5 साल पहले जब स्टार्टअप किया था तो बहुत कुछ नहीं सोचा था कि मैं इतना कुछ करूंगा, क्योंकि सब कुछ ये पिछले 2.5 साल में हुआ है। यदि आज 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए महीने की इनकम आने लग गई है, और अगले 1 से 1.5 साल में यदि हमने प्लानिंग करी है कि वेस्टेज के थ्रू मेरी पे आउट कम से कम 3 से 5 लाख रुपए महीने की पे आउट होगी, इसी से मैं आज 12 लाख की कार भी, होंडा WR भी देखिए फोटो में होगा, आज मैं चलाता हूँ वेस्टेज के थ्रू। और इसी के साथ साथ आज मैं विदेश भी घूम करके आया, सिर्फ घूम करके आया ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आफ्टर एवरी 6 मंथ्स है ना, हर एक 6 महीने पे हम कोई ना कोई फॉरेन टूर पे होंगे। मुझे पता है कि आने वाले दिनों में दुनिया के सब देश हम घूम सकेंगे और आप लोग भी घूम सकेंगे। ये सब कुछ वेस्टेज में संभव हो पाया, लेकिन कब संभव हो पाया? जनरली लोग जब स्टार्टअप करते हैं तो एक सिर्फ वो एक खरीदारी का बिजनेस समझते हैं कि आज हम वेस्टेज में आए हैं और बस हमने शॉपिंग स्टार्ट कर दी और लोगों को जोड़ करके उनको भी शॉपिंग कराना है, बिजनेस हो जाएगा, राइट। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है, बिजनेस की कुछ बारीकियां होती है जिसे हमें समझना पड़ता है। जनरली जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल इसी वजह से होते हैं कि वो प्रोफेशनली अपने आप को ट्रेंड नहीं कर पाते। अपने आप को प्रोफेशनली ट्रेंड नहीं करना सबसे बड़ी वजह है नेटवर्किंग में असफल होने की। तो मैं आज वो सारे पॉइंट्स आपके सामने डिस्कस करूंगा जिसकी वजह से आप शायद आप वो गलती ना करें जो लोग करते हैं। और 95% जो लोग होते हैं वो अनप्रोफेशनल तरीके से बिजनेस करते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपकी भी कोई टीम यदि होगी, कोई छोटी टीम होगी या बड़ी टीम होगी, आप देखेंगे उसमें जो आज मैं बताऊंगा कि उसमें बहुत सारे काम वो नहीं करते हैं जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जाहिर सी बात है कि जो चीज आज मैं बताने वाला हूँ बहुत स्पेशल होगा, और वो काम नहीं करेंगे तो वो सफल नहीं होंगे।
तो 95% आपकी भी टीम के लोग होंगे, ध्यान कर लेना, वो काम नहीं करते होंगे। और इसी यही वजह है कि मेरी तरह वो आज कहते हैं ना 15 महीने में मेरी पे आउट 1 लाख रुपए महीना आना शुरू हो गया था, 1 लाख प्लस इनकम 15 महीने में। तो बहुत सारे लोग होंगे कि 15 महीने के बाद भी वो रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि हम प्रोफेशनली काम नहीं कर रहे। और मैं आपको बता दूं, मुझे भी 15 महीने इसलिए लग गए थे कि मैंने पहले 6 महीने प्रोफेशनल तरीके से काम नहीं किया था। क्योंकि अभी एक स्लाइड था ना कि लोग पहले का कुछ एक्सपीरियंस लेकर आते हैं ना, तो वही इसमें कुछ अप्लाई करना चाहते हैं, वो अपने आप को जीरो करके आना नहीं चाहते हैं। उन्हें लगता है कि हम पहले से होशियार और थोड़ी सी अकल हमारे अंदर है पहले से, तो मैं उसको पहले लगा लूं। और ये पहले 6 महीने हमने भी लगाया था, यदि वो पहले 6 महीने में भी अपना अकल ना लगाया होता ना, तो शायद मैं 15 महीने में 1 लाख पे आउट पे नहीं पहुंचता, शायद आपको 10 महीने में पहुंच जाता। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं मेरे दोस्त, मेरे प्यारे और जितने मेरे कलीग बैठे हुए हैं, लाजवाब हैं, बड़े सुपर्ब हैं, मुझे पता है आपके अंदर वो जोश, वो जुनून, वो जज्बा, वो हिम्मत और वो हौसला हमेशा रहता है बना हुआ जीतने का। तो बड़ा जबरदस्त सेशन आज आप लोगों के बीच में मैं लेकर आया हूं, और इस सेशन में कहीं ना कहीं बहुत स्पेशल होने वाला है आपकी लाइफ के साथ। क्या स्पेशल कर पाएंगे, मैं स्लाइड के थ्रू बताऊंगा कि कैसे एक प्रोफेशनल नेटवर्कर आप बनते हैं, राइट। तो मैं इसी स्लाइड में सबसे पहले मैं ले जाऊंगा आपको कि कल के सेशन में जो हमने सीखा था कि एक नेटवर्क को हम मैनेज कैसे करते हैं, राइट। तो इसमें हमने देखा था कि नेटवर्क को मैनेज करने में 5 स्टेप्स हमने बहुत जबरदस्त किया था कि हम लोगों को फॉलो अप कैसे करते हैं, उनको गोल्स और ड्रीम्स हम कैसे बनवाते हैं शुरुआती दौर में जैसे वो वेस्टेज में आते हैं। तो पहला काम जो कल का सेशन का थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं कि उनको सबसे पहला काम जैसे कोई टीम में हमारा कनेक्ट होता है, हमारी टीम ज्वाइन करता है या वेस्टेज प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करता है एज ए कैरियर, तो सबसे पहले हम उसको गोल बनवाते हैं, उसको हम एक ड्रीम चार्ट बनवाते हैं हर एक 3-3 महीने के लेवल पे। शुरुआती जो चार चार्ट बनेंगे, पहले 3 महीने का, फिर 6 महीने का, फिर 1 साल का, फिर 2 साल का, फिर 3 साल का। कम से कम स्टार्टिंग 3 साल में वो क्या बनने जा रहे हैं उनका गोल और ड्रीम तो बना ही देंगे। और वो गोल और ड्रीम कहीं और नहीं रहेगा, आपके बेडरूम के पीछे बिल्कुल चिपका हुआ रहेगा, राइट। मेकिंग लिस्ट बताया था आपको कल मैंने कि बहुत एक स्ट्रॉन्ग लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। और मैंने ये भी बताया था कि जैसे किसी के पास आप बैठते हैं तो लिस्ट बनाने के दौरान कम से कम 100 का लिस्ट आइडियल लिस्ट होता है, उससे कम की लिस्ट नहीं होनी चाहिए। और उसके ऊपर हमने बोला था कि उनको इनवाइट करना है, और इनवाइट करने के बाद उनको प्लान प्रेजेंटेशन करवानी है, वो भी अपने अपने कहते हैं ना एक्टिव इफेक्टिव और ग्रोइंग अप प्लान के द्वारा। तो कहते हैं कि ये काम यदि आप कर लेते हैं, ये 5 काम मैंने जो आपको बताया था कल बताया था, ये इंडक्शन ट्रेनिंग का एक पार्ट है। जैसे कोई ज्वाइन करता है तो ये काम आपको करवानी है। यदि ये काम आप नहीं करवा रहे हो, इसका मतलब प्रोफेशनली आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, समझिएगा मेरी बात को। तो आपको नेटवर्क को मैनेज करना है तो आपको ये सबसे पहले 5 चीज आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर को जैसे वो ज्वाइन करता है और शॉपिंग करता है तो ये काम आपको करवानी है। तो एक बार मैं जानना चाहूंगा कि मेरी आवाज क्लियर है, कोई बता पाएंगे? यस सर, यस सर। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। और जी बने रहिए आप लोग। और मैं देख बताना चाहूंगा कि इस 5 काम के अलावा जो आपके पास आएंगे, देखिए बॉस की तरह ऊपर खड़े हैं और वो कोई और नहीं है, वो आप ही हैं। और एक दिन आपको इतने बड़ा नीचे लोग दिखेंगे जैसे जो दिख रहे हैं लोग, तो आपके बीच में ऐसी बड़ी टीम बनेंगे जब आप प्रोफेशनली अपने आप को ट्रेंड करेंगे। चलिए मैं सेशन को मैं आगे बढ़ाता हूँ यहाँ से। हाउ टू डू वेस्टेज नेक्स्ट पार्ट में मैं जाऊंगा, और अब मैं देख पाऊंगा कि सबसे पहले जब आप प्रोफेशनली कोई बिजनेस को आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको एक मेंटोर की जरूरत पड़ती है। वो मेंटोर जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ाता है, जो आपको जिंदगी में आगे लेकर जाता है। सपोज दैट मैं थोड़ा सा उदाहरण दे देकर बताऊंगा कि जैसे मैं वेस्टेज में आया था तो मेरे पास जो एक मेंटोर आए थे वो हमारे केशव कुमार सिंह थे। आप तालियां बजा सकते हैं लेकिन ओपनली ना कि आवाज आए, तालियां बजा लो आप मन मन, अपने आप को बना लो, क्योंकि मुझे पता है कि इनको भी बहुत सारे लोग आप लोगों में फॉलो करते हो आप। ये मेरे मेंटोर थे जिनके सहारे मैंने स्टार्ट करा था बिजनेस। और जब तक आप कोई मेंटोर नहीं बना पा लेते हो, जब तक आप कोई भी सिस्टम को आप आगे नहीं लेकर जाएंगे। मैं सीधी सी बात जानता हूं कि इनका हमारे वेस्टेज में उतना ही बड़ा रोल है जितना हमारी परवरिश में हमारे माँ बाप का रोल था। तो आप समझ लीजिए कि एक मेंटोर का रोल क्या हो सकता है वेस्टेज में। तो आज ये जो केशव कुमार सिंह है, आज यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हैं, और जितने भी आप लोग बैठे हैं सबको पता है कि आज की तारीख में करीब 5 लाख रुपए महीने की पे आउट के आसपास है। एवरेज पे आउट अभी भी 3 लाख कोरोना के टाइम में भी आ रहा है इनको। तो आप देख लीजिए कि ये शख्स जब हमारे मेंटोर बने थे तो आप बिलीव नहीं करोगे इनकी पे आउट 25 से 30 हजार थी। तो मैं इनको देखते हुए आगे बढ़ाऊंगा, इनको फॉलो करते हुए आगे बढ़ाऊंगा। मैं बताना चाहूंगा कि जनरली ये काम लोग नहीं कर पाते हैं।
मैं सच बता रहा हूँ आपको, ये मेंटर जो सेलेक्ट करना होता है, जो आपके अपलाइन, कोई जरूरी नहीं है कि जिन्होंने आपको वेस्टेज में लेकर आए हैं वही आपको मेंटोर होंगे, ऐसा नहीं है। मेंटोर कोई भी हो सकते हैं जो आपको वेस्टेज में लेकर आए हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो मेंटोर हो आपके एक्टिव इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन, है ना। जैसे इनका पैदान मेरे करीब 5-6 पैदान में नीचे हूँ, बीच में हमारे ऊपर हमारी अपलाइन कोई और है। और मैं बता दूं, मेरे जो अपलाइन है, इमीडिएट अपलाइन, वो राहुल झा जी हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और अभी वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म खोल करके बैठे हैं। जितनी वो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म खोल करके नहीं कमाते हैं सीए करने के बाद, और मैं भी हालांकि कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ, उससे ज्यादा इनकम आज हमारी है, और उनसे 4 गुना ज्यादा इनकम हमारे केशव सर की है। तो मैटर नहीं करता, हमारे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जरूर है, मेरे अपलाइन जरूर है, लेकिन मेरे मेंटोर ये हैं जिन्होंने मेरी जिंदगी में एक एक कदम आगे चलना सिखाया, और जो आपको सिखाता है सही और गलत की पहचान करवाता है। मेंटोर किसको बोलेंगे, क्योंकि मैं डिफिनेशन देकर के बताऊंगा कि आज की तारीख में मेंटोर का रोल क्या है, वो मेंटोर हम किनको मान सकते हैं, वो कौन लोग हैं जिनको हम मेंटोर मानेंगे, राइट। एक सेकंड, थोड़ा सा मैं आपसे, एक सेकंड में आपसे रुकूंगा थोड़ा सा यहाँ पे। चलिए अब मैं सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। सबसे पहले मेंटोर हम किनको माने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम मेंटोर माने तो किनको माने, कौन होंगे वो मेंटोर। मेंटोर वो होते हैं मेरे दोस्त जो आपको इथिकली बिजनेस करना सिखाते हैं, मतलब आपको सिस्टम से बिजनेस करना सिखाते हैं। यदि आप सिस्टम से बिजनेस नहीं कर रहे हैं तो आप, जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं आपके मेंटोर की कमी है। तो एक मेंटोर हमारी लाइफ में वही काम करता है जैसा कि मैंने आपको बताया, जो एक रोल माँ बाप का होता है। हमारे माँ बाप कभी नहीं चाहते कि हमारे बच्चे बिगड़ जाएं, हमारे बच्चे की परवरिश ठीक से ना हो और हमारे बच्चे नालायक निकल जाएं, कभी नहीं चाहते हैं। उसी तरह से वेस्टेज में जो आपके रियल मेंटोर होंगे, वो आप कभी नहीं चाहेंगे कि आप नाकामयाब बनो। वो 24 घंटे आपकी कामयाबी के लिए कोई ना कोई सूत्र निकालते रहते हैं, कोई ना कोई मंत्र निकालते रहते हैं, कोई ना कोई फॉर्मूला निकालते रहते हैं, और वो एक सिस्टम आपको देते हैं जिसके अनुसार आपको चलना होता है। तो आपको एक मेंटोर क्या करता है, आपको एक मेंटोर का रोल होता है कि आपको जिंदगी में गलत और सही की हमेशा पहचान करवाए, गलत और सही की पहचान करवाए। यदि आप उनको एक्सपीरियंस होगा 2-3 साल इवन ज्यादा का भी एक्सपीरियंस हो सकता है, तो उनको ये पता होगा कि आप वेस्टेज के शुरुआती दौर में हैं, तो उनको जिस दौर से आप अभी चले हो, चलना शुरू किए हो, उस दौर से वो आज से 3-4 साल या 2 साल पहले निकल चुके हैं। जो उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होगा, हमारे पास नहीं होगा। हम भले सोच लेते हैं कि इसमें कुछ नहीं होता, हम तो बस सीख गए, इनसे ज्यादा होशियार भी हैं और इनसे ज्यादा हम पढ़े लिखे लोग भी हैं। कभी कभी को होता है ना, जिससे मोइन खान सर हैं, आज अनपढ़ हैं, लेकिन 6 लाख रुपए, आज 7 लाख रुपए, 8 लाख रुपए प्योर यदि है, लेकिन कोई उनके नीचे ज्वाइन करता और कहता मैं ग्रेजुएट हूं और मैं मोइन सर की क्यों मानूं, तो माफ कीजिएगा, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। क्योंकि उनका जो पिछले 6 साल का एक्सपीरियंस है, तभी तो उनको बड़ा बनाया है। वो प्रैक्टिकल एक एक चीज ए से लेकर के बी जेड तक कैसे जाना है, उनको सब मालूम है। तो मेंटोर का रोल होता है आपको कि आपको गलत सही की हमेशा पहचान करवाता है, वो एक एक कदम आगे कैसे बढ़ना है वो आपको बताता है कि कैसे आप आगे बढ़ोगे। सारी चीज एक ही बार आपको सब कुछ उड़ेल नहीं देता, आपको प्रैक्टिकली धीरे धीरे बढ़ा करके आपको ऊपर ले जाता है। तो मेंटोर का पूरी डिफिनेशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके लाइफ में कोई गुरु नहीं है जिस प्रोफेशन में हो आप, तो शायद आप कामयाब नहीं बनेंगे। और मेंटोर जब किसी को आप मानते हो, तो उसके सामने एक छोटा सा बच्चा बन जाना आप, मैं आपको सच बता रहा हूं, छोटा सा बच्चा बन जाना, ऐसे बुद्धू बन जाना जैसे आपको कुछ आता ही नहीं है, तभी आपको मेंटोर सही से सिखा पाएगा। जैसे अभी आपने एक स्लाइड में और एक अभी वीडियो प्रेजेंटेशन में सुना ना, कि गुरु जी के पास कोई गिटार सीखने के लिए गया और उनसे ये बोला कि गिटार सिखाने के गुरु जी कितने पैसे लेंगे, तो उनसे पूछा गया कि क्या पहले आपने गिटार बजाया है, बोला हाँ गुरुजी मैंने गिटार का एक्सपीरियंस पहले लिया हुआ और कॉलेज में भी हमने गिटार बजाया और नाटक वगैरह में भी पार्टिसिपेट किया है। तो कहते हैं आपकी जो फीस होगी वो 80,000 रुपए की फीस होगी और आपको 1.5 साल का वक्त लगेगा। वही बीच में कहते हैं ठीक है गुरुजी, और बगल में बैठ गया। थोड़ी देर में एक छोटा सा बच्चा आता है 8 साल का, पूछता है गुरुजी मुझे गिटार सीखना है। तो गिटार सीखना है तो उनसे जब पूछता है कि गिटार सीखना है, पहले आपने कभी गिटार बजाया है,
बोला गुरुजी मुझे बिल्कुल गिटार नहीं बजाया ना मैं जानता हूँ गिटार बजाना। तो कहते हैं आपकी फीस होगी 20,000 रुपये और आपको 6 महीना का वक्त लगेगा। ये बोल के बोला और वो लड़का चला गया। जब वो पहले वाले आए यहाँ पे कहते गुरुजी ये तो नाइंसाफी है, हमारे को पहले से भी एक्सपीरियंस है और आप हमारे लिए फीस 80,000 कहा, उस बच्चे के लिए 20,000 और हमारे को 1.5 साल बोला, उनको 6 महीने। कहते हैं ऐसा है पहले जो आपको 1.5 साल जो आपने सीखा है ना, फीस तो आपके लिए भी वही 20,000 है, लेकिन जो पहले 1.5 साल जो आपने सीखा है ना उसको मिटाने का फीस अलग से 60,000 रुपये है। तो जरूरत यह है कि यदि आपने पहले कहीं कोई नेटवर्क मार्केटिंग किया हुआ है या कहीं आपने समय पहले उसको मिटाइए, आप जीरो बनकर के आइए। हर एक कितने लोग आते हैं कि ये बोल जाते हैं कि मेरे कंपनी में ये हो रहा था, वहां तो गया था तो वैसे हो रहा था, वहां तो ऐसे बता रहे थे, तो ऐसे में नहीं चलेगा। आप बड़ा नहीं कर पाएंगे, आप बड़ा तभी कर पाएंगे मेरे दोस्त जब आप यहाँ पे जीरो बनकर के आएंगे और ये आप सरेंडर करेंगे अपने मेंटोर को, एक्टिव इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन को। जब मेंटोर को आप समर्पित कर देंगे अपने आप को, तो मेंटोर को पता है, आपके गुरु को पता है, आपके अपलाइन को पता है कि आपको ड्राइव कैसे करना है, इनको ऊपर कैसे लेकर के जाना है, राइट? तो एक मेंटोर का रोल मैं समझता हूँ कि आपकी माइंड में सेटअप हो गया होगा कि ये गुरु का कितना बड़ा रोल है। और हमेशा कम से कम डेली बेसिस पे मेंटोर आपके कोई हैं, एक एक पॉइंट में मैं थोड़ा सा लॉन्ग डिस्कशन करूंगा। मेंटोर यदि कोई है आपके बीच में तो जाहिर सी बात है वो क्या करेंगे, आपको लाइफ को आगे बढ़ाकर ले जाएंगे। जो कामयाबी आपको 5 साल में मिलेगा ना, यदि मेंटोर का हाथ थाम लिया तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो कामयाबी आपको 3 साल में मिल जाएगा, 2 साल का समय बचेगा। फिर कहोगे वो 2 साल क्या करूंगा मैं, तो 2 साल वो गिर पड़ करके जैसे तैसे उठ करके गिरोगे, बैठोगे, उठोगे, वैसे कर करके आप सीखोगे जो चीज आपको शुरू से ही एक डायरेक्शन से सिखाएंगे मेंटोर बनके। तो बहुत अच्छा, और मुझे विश्वास है कि आपके जो भी एक्टिव इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन होंगे उनको सबसे पहले इनमें से कोई एक मेंटोर जरूर आप चुनेंगे। प्रोफेशनल की तरफ मुड़ रहे हैं आप, प्रोफेशनली ट्रेंड होने जा रहे हैं आप, तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटोर आप अपने साथ रखिए, राइट? तो नेक्स्ट मैं जाऊंगा और मैं देखूंगा कि वो मेंटोर आपके बीच में जब होंगे तो कैसे कैसे वो आपको प्रोफेशनली आगे बढ़ाएंगे, राइट? तब थोड़ा सा मैं और एक स्लाइड के आगे ले जाऊंगा मैं आपके बीच में, एक मिनट जी। अब जैसे आप प्रोफेशनल बनते हैं, जैसे मैंने आपको एक बताया कि आपको प्रोफेशनली एक ट्रेंड नेटवर्कर बनना है, आपको प्रोफेशनली ट्रेंड होना है, तो प्रोफेशनली यदि आप ट्रेंड होते हैं तो पहला काम होता है कि कोई भी काम, जैसे आपका एडमिशन आज वेस्टिज में हो गया, जैसे एक बच्चे का एडमिशन स्कूल में हो जाता है, तो पहला सबसे पहला काम जो माँ बाप उसके करते हैं वो सबसे पहले एक काम करवाते हैं कि उनकी ड्रेस अलग से, जो स्कूल में ड्रेस चलता है वही ड्रेस में उसको लेकर के आते हैं और उसी ड्रेस में हमेशा स्कूल भेजते हैं। तो सबसे पहला काम जो आपके मेंटर करेंगे, जो आपके जो अपलाइन करेंगे, आपको पहले वो ड्रेस में लेकर आएंगे, है ना? जितना स्मार्ट इसमें मैं हूं नहीं इतना स्मार्ट, लेकिन मैं आपको बता दूं, लग रहा हूं इतना स्मार्ट भले, तो आप देख रहे होंगे कि सबसे पहला काम आप एक ड्रेस कोड में जाएंगे और वेस्टिज का ड्रेस कोड जरूरी है, जनरली इसको लोग नेगलेक्ट करते हैं। आप सुनिए, देखिए, आपने सपना लिया है, सबने ड्रीम बनाया कि अगले 3 साल में कम से कम 1,00,000 रुपए महीने की इनकम हम पे जाएंगे। एक माँ बाप एक बेटे को इंजीनियर बनाता है, 5 साल पढ़ाई करवाता है, 25,00,000 रुपए खर्च कर देता है, तब भी गारंटी नहीं होता 1,00,000 रुपए महीना आएगा नहीं आएगा, है ना? सच है ना? ग्रेजुएशन 3 साल लगते हैं, पता नहीं होता 20,000 रुपए महीना आएगा कि नहीं आएगा, और होता भी ऐसा ही है ना? और यहाँ हमारी गारंटी है कि अगले 1 साल में जो अपनी पे आउट रहेगी, अपनी पे आउट रहेगी, वो मिनिमम 1,00,000 रुपए महीने की रहेगी। तो क्या क्या लग रहा है कि 1,00,000 रुपए महीने की पे आउट ऐसे ही आ जाएगा, ज्वाइन करेंगे और आ जाएगा? जनरली लोग ऐसे तो कहते हैं कि कुछ नहीं करना है, बस आप ज्वाइन कर लो ना, शॉपिंग कर लो, आ जाएगा। पहले आपने आपको चेंज करेंगे, उस 1,00,000 के लायक बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहला काम जो आप प्रोफेशनल यदि आप अप्रोच अपना कर काम करना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले आप एक ड्रेस में आते हैं और वो ड्रेस इसी तरह का ड्रेस होना चाहिए जिस तरह से मैं दिख रहा हूँ इसमें आपको, राइट? व्हाइट शर्ट होनी चाहिए आपके पास, ब्लैक पैंट होना चाहिए, ब्लैक शूज होना चाहिए, ब्लैक सॉक्स होने चाहिए और वेस्टिज का टाई होना चाहिए। ये आपका फॉर्मल ड्रेस है जो आपको वेस्टिज में होना चाहिए। यदि गर्मी का मौसम है, यदि आप कोट पैंट नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, कोट तो मैंने इसमें भी लिखा भी नहीं वैसे, कोट के साथ बहुत सारे ड्रेस होंगे, आप देख सकते हैं प्रोफेशनली क्या ड्रेस होना चाहिए। लेडीज के लिए अलग ड्रेस है, लेडीज हैं तो साड़ी है वेस्टिज का एक स्पेशल अलग से,
और यदि शादीशुदा नहीं हुए हैं, यदि समीज सलवार पहनते हैं तो उनके लिए फिर अलग कलर का है, वो आप साइट पे भी जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहला काम जो हमें करना होता है वो हमें एक ड्रेस कोड में आना होता है। अब जाहिर सी बात है कि आप एक ड्रेस कोड में आते नहीं है और पहले ही जैसा बने रहते हैं, आपको कोई नोटिस करेगा क्या? कोई नोटिस नहीं करेगा। अच्छा, इस तरह से यदि बन करके आप कोट और पैंट और टाई लगाकर निकलेंगे, लोग नोटिस करेंगे, क्या बात है, इतने चेंजेस कहां से आ गया, क्या कुछ स्पेशल लाइफ में करने जा रहे हो आप, राइट? तो ये जानना बहुत जरूरी है कि ड्रेस कोड का कितना इंपॉर्टेंस है। शायद मैं आपको बता दूं, आप क्या किसी के सामने प्रेजेंटेशन जब देने जाते हो आप, तो आपका प्रेजेंटेशन वो बाद में देखता है, सबसे पहले आपको देखता है कि आप लगते कैसे हो, कितने, क्या आपने अपने हेयर को कॉम्ब किया हुआ है ठीक से, बाल सही से सजा रखा है आपने, क्या आपका ड्रेस सेंस ठीक है, क्या आपने बढ़िया सा शर्ट साफ सुथरे पहने हुए हैं, ये आपका ड्रेस कोड देखता है आपका, सबसे पहले आपका लुक देखता है। और मैं आपको बता दूं, यदि आपका प्रेजेंटेशन थोड़ा सा हल्का भी है ना, आपका ड्रेस और आपका जो लुक है ना वो सब ढक देता है। और कहते हैं कि 70% आपका लुक काम करता है, 30% आपका प्रेजेंटेशन काम करता है। तो सोच लीजिए कि लुक का कितना वैल्यू है यदि आप किसी को प्रेजेंटेशन देने जाते हो आप। तो ड्रेस कोड में आना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो ड्रेस कोड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जब आप प्रोफेशनल अप्रोच अपना कर वेस्टेज करना चाहते हैं। तो ड्रेस को आप हल्के में ना लें, मैं कहता हूं इसको अर्जेंट बना। यदि आज भी कोई ड्रेस में नहीं आ चुके हैं तो मैं आपको सबसे पहले बात करूंगा कि कुछ भी हो, थोड़ा इन्वेस्टमेंट कीजिए अपने ऊपर, अपने एक ड्रेस जरूर बनवाइए आप। जिस तरह से बच्चों को आज स्कूल में जाने से पहले ड्रेस बनवाते हैं तभी आप उसको स्कूल भेजते हैं, बिना ड्रेस के आप स्कूल भेज ही नहीं सकते, और बच्चा जाएगा भी नहीं। गलती से एक दिन भेज दिया, दूसरे दिन वो बच्चा या तो स्कूल नहीं जाएगा या तो माँ बाप को कहेगा मुझे ड्रेस में भेजो। लेकिन यहाँ क्या हम अपने अपलायन की बात मानते हैं? बिल्कुल नहीं मानते हैं। उन्हें हम ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये तो सेकेंडरी चीज है ना, मुझे ड्रेस में होना कोई जरूरी नहीं है। तो अपलायन जो इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलायन है वो हमेशा आपको ड्रेस में मिलेगा। मुझे आज भी याद है जब मैं अपने एरिया में घूमता था और जब मुझे कभी भी केशव सर नजर आ जाते थे तो कहते थे क्या बात है आज भी ड्रेस में। मैं कहता था कि मैं कब कहां किस डिस्ट्रीब्यूटर का फोन आएगा, मुझे प्लान दिखाने जाना होगा, मॉर्निंग में मैं 8 बजे 9 बजे ही मैं तैयार होकर सबसे पहले मैं ड्रेस में आ जाता हूँ, इसके बाद मैं ड्रेस बिल्कुल नाइट में ही उतारता हूँ, मुझे पता है कोई मिल गए तो मैं उनको प्लान कैसे दिखाऊंगा, ड्रेस में नहीं रहूंगा, मैं प्लान दिखा नहीं सकता। तो ये बहुत जरूरी है, ड्रेस कोड इज वेरी कंपल्सरी, राइट? तो ड्रेस कोड में आना बहुत जरूरी है। सब लोग, जितने लोग मीटिंग सुन रहे हैं, आप तो ड्रेस कोड में आएंगे ही आएंगे, अपनी पूरी टीम को एक ड्रेस कोड में लेकर आइए, कभी कैजुअल मत होइए। इसको हल्के में लेते हैं, शायद आप बहुत हल्के में लेते हैं इसको, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ। कोई लाल, पीले, हरे, नीले, काले, पीले, सब कोई भी ड्रेस में निकल पड़ते हैं और अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर देते हैं, आप बिजनेस को बड़ा नहीं कर पाएंगे। ध्यान से सुन लीजिए, आप बिजनेस को बड़ा करने के लिए आपको ड्रेस कोड में होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये प्रोफेशनल आप दिखेंगे जैसे आप एक ड्रेस कोड में आ जाते हैं, राइट? चलिए ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप ड्रेस को एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बनाएंगे वेस्टेज में, क्योंकि बिना इसके आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। मुझे पता है बहुत सारे मीटिंग में आप सुने भी होंगे लेकिन अभी भी आपने उसको इग्नोर किया, आप उसको नजरअंदाज किए हैं। आप आज बहुत सारे लोग यही मीटिंग में बैठे हैं, बहुत सारे लोग अपना वीडियो ऑन नहीं कर पा रहे हैं। वो वीडियो ऑन इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि आज जब उन्होंने सवेरे वॉशरूम फ्रेश हुए, उसके बाद जो ड्रेस उन्होंने बॉडी पे लगाई, वो जो पहना कपड़ा वो वेस्टेज का ड्रेस नहीं था, और तभी वो वीडियो ऑन नहीं करते हैं। कारण है कि वो फिर लाल, पीले, हरे, काले, पीले सब में दिखेंगे वो। तो सबसे पहला काम है कि मॉर्निंग में उठते, या तो फिर आप बहुत कैजुअल हो, आपको पता ही है घर में 1 घंटे की मीटिंग सुनना उसके बाद मस्त हो जाना है, या तो फिर हम बेड पे लेटने चले जाएंगे, सोने चले जाएंगे, या तो फिर ऐसी थिंकिंग होगी। नहीं तो सबसे पहला काम जो सिखाया जाता है, कैसे आप जूम पे आते हैं, तो सबसे पहले आप बिल्कुल वेल ड्रेस अप होकर के आप जूम पे बिल्कुल एक जगह बना लीजिए और बैठिए, दिखें आपको सब लोगों के बीच में, अपना चेहरा दिखाइए, बताइए कि मैं हूं, राइट? तो ये ड्रेस का इतना इंपॉर्टेंस, बहुत सारे लोग छुपते क्यों हैं, क्योंकि वो प्रॉपर ड्रेस में नहीं होते हैं, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका ड्रेस कोड होना बहुत जरूरी है। आज आप सोच रहे होंगे कि सर आज डांट लगा रहे हैं, लेकिन डांट नहीं लगा रहा हूं, यही प्रोफेशनल तरीका है वेस्टेज सिस्टम में आगे बढ़ने का, राइट? चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे मैं जाऊंगा कि जैसे आप एक ड्रेस कोड हो जाता है तो आपके पास एक प्रेजेंटेशन फाइल होना चाहिए। आज आपके पास सेशन है वेस्टेज को कैसे करें, तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन पता तो है हमें लेकिन हम करते नहीं है। अब प्रेजेंटेशन फाइल जैसे आपके पास होगा तभी तो आप प्रेजेंटेशन दिखा पाएंगे, उसके लिए आपको एक प्रेजेंटेशन बुक होना बहुत जरूरी है,
जिसमें आपको प्रॉपर कंपनी का प्रोफाइल का नॉलेज, सीएनटी पूरे प्रोडक्ट का नॉलेज और मार्केटिंग प्लान आप उनको बता पाए। उनको कुछ टेस्टिमोनियल दीजिए उनको, जिसमें से कार बुक दिखा सकते हैं कि पूरे इंडिया में कितने लोग कार अचीवर्स हैं। लीडिंग लेडीज बुक दिखा सकते हैं, महिलाओं के बीच में जब आप जाते हैं तो उनको आप बता सकते हैं कि आज जो महिलाएं कभी घर में चूल्हा चौकी करती थी, आज की तारीख में मर्सिडीज पे चल रही हैं, अपने हस्बैंड को फॉरेन टूर गिफ्ट किए हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो सोच लीजिए कि कार बुक, लीडिंग लेडीज बुक आपके प्रेजेंटेशन फाइल में होना चाहिए, जो बैग है आपका, कुछ प्रोडक्ट्स होने चाहिए उसके अंदर, जो आप उनको कुछ का डेमो दिखा सकते हैं, जैसे फ्लैक्स वॉल का डेमो बहुत तरीके से दिखाते हैं। फ्लैक्स वॉल का डेमो देखने के बाद 95% चांस होता है कि वेस्टेज में आते ही आते हैं, लेकिन शायद हमारे पास थर्मोकोल भी नहीं होता और ना फ्लैक्स वॉल होता है, तो हम डेमो दिखाएंगे कहां से। यदि ऑल ऑफ ए सडन नहीं रहा तो आप अपने वीडियो के सहारे भी मोबाइल पे दिखा सकते हैं। तो कुछ प्रोडक्ट्स भी अपने पास रखें, उनको आप छोड़ सकते हैं उनके पास प्रोडक्ट, या आप टेस्ट कर सकते हैं, आपको सही लगेगा तो आप पैसे उनसे ले लीजिए, सही नहीं लगा तो नेक्स्ट टाइम से आप नहीं परचेज करेंगे। ये सब कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए जब आप प्रेजेंटेशन के लिए तैयार हो रहे हैं। तो डायरी और रजिस्टर आपके पास होना चाहिए जिसके ऊपर आप प्रेजेंटेशन प्रॉपर उनको दिखाओगे आप। इसके अलावा आपके पास सीनियर्स का पे आउट होगा। बहुत सारे लोग स्टार्टिंग फेज में होते हैं तो उन्हें पे आउट उनका नहीं बनता या पे आउट उनका बड़ा नहीं होता है, और हम वेस्टेज में कहते भी हैं कि पहले एक साल हम प्योर पे काम नहीं करते हैं, पहले एक साल हम अपने आप पे काम करते हैं, एक टीम बना करके टीम के ऊपर काम करते हैं, यानी हम पूरा सीखने का काम करते हैं। तो लर्निंग फेज में होते हैं, स्टार्टिंग फेज में, तो शायद हमारे पास इतनी अच्छी प्योर नहीं होती है, तो सीनियर्स का प्योर भी हमारे पास होना चाहिए। सारे प्रोडक्ट्स के एमआरपी के साथ पूरी डिटेल होनी चाहिए, क्या क्या ऑफर्स की है उसकी जानकारियां होनी चाहिए। तो आपके प्रेजेंटेशन फाइल में ये सब चीज का समावेश होना बहुत जरूरी है। यदि आप एक प्रोफेशनल नेटवर्कर हैं तो प्रेजेंटेशन फाइल उतना ही जरूरी है जितना आपका ड्रेस सेंस जरूरी है, राइट? तो प्रोफेशनल तरीके से आप करेंगे तो प्रेजेंटेशन फाइल आपके पास, जो बैग है, बैग के अंदर सब कुछ होना चाहिए। कितने लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है बहुत बार, मेरी मीटिंग बहुत बार मेरे डाउनलाइन ने रखा है या लाइफलाइन ने, तो उनसे पूछते हैं कि वहां मीटिंग देने जाना है सर, मैं वहां जाता हूं। जाहिर सी बात है मैं अपनी बैग लेकर जाता हूं क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल नेटवर्कर हूं। मैं बैग में अपना सब कुछ रखता हूं क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल नेटवर्कर हूं। मैं अपने बैग में डायरी और रजिस्टर इसलिए रखता हूं कि मैं एक प्रोफेशनल नेटवर्कर हूं। मेरे अपने सीनियर्स का प्योर डिटेल भी है क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल नेटवर्कर हूं। मेरे पास प्रेजेंटेशन बुक है क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल नेटवर्कर हूं। मेरे पास कार बुक और लीडिंग लेडीज बुक है क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल नेटवर्कर हूं। लेकिन जैसे वहां पर जाता हूं और मैं अपने डाउनलाइन से पूछता हूं कि एक बार अपना बुक निकालिए, कहते हैं सर मैं तो खाली आ गया, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं सर। मैं बोला क्यों? बोला मैं सोचा सर आप लेकर के आ जाओगे। मैं बोला कल भी ऐसे ही होगा, प्योर हमारे पास आ जाएगा, आपके पास नहीं पहुंचेगा। तो वो इतने कैजुअल होते हैं, उन्हें लगता है कि अब प्लान है ना, हम बस खत्म हो गया, हमारा काम, हमारा रोल खत्म हो गया, हमारी फाइल। मैं कहता हूँ गलती से दिया प्लान वहां नहीं पहुंचा तो फिर झुंझुना बजाते हुए वहां से वापिस आ जाओगे आप, क्योंकि आपके पास तो है ही नहीं कुछ, पूरी प्रेजेंटेशन फाइल ही गायब है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक प्रेजेंटेशन फाइल आपके पास प्रॉपर होना चाहिए जब आप इस बिजनेस में प्रोफेशनली अटैच होते हैं, राइट? सेकंड पॉइंट था हमारा, ये बहुत बेहतरीन पॉइंट है, इसके ऊपर हम काम करेंगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा और सब कुछ हमारे पास होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, बी डिसिप्लिन्ड। ये बहुत बड़ा वैसे चैप्टर है, इसके ऊपर हम बहुत बातें कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं हमेशा हमें डिसिप्लिन में होना चाहिए, एक ऑर्डर में होना चाहिए। मैं भी कभी कभी ऑफिस में बैठा रहता हूँ तो मेरे कभी कोई डाउनलाइन आते हैं तो देखते हैं सामने बैठे हुए हैं सर, लेकिन पता चला कि एक टांग नीचे रखा हुआ तो उसके ऊपर दूसरी टांग चढ़ा लिए, पता चला हाथ एक नीचे है तो एक हाथ ऊपर अपना छत के ऊपर करा हुआ है, तो उनको यही नहीं पता है कि हम बैठे कहाँ हैं। आप मुझे बता दो, कभी एक काम कीजिए, कभी कुर्सी पे बैठिए आप स्कूल में और टीचर के सामने और उनको बोलिए कि आराम से बोस की तरह, एक होता ना टांग एक ऊपर एक टांग के ऊपर एक टांग कर दिया और बड़ा आराम से, बोलो हम बोलो सर अब बताओ क्या पढ़ा रहे हो, बताओ क्या आप पढ़ पाओगे ऐसे में? नहीं पढ़ पाओगे। क्यों? क्योंकि आप डिसिप्लिन में नहीं हो। आप उनको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया अपने अपलाइन को, अपने अपलाइन के सामने आप कैसे भी कुछ भी बोल दोगे कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में है ही नहीं कि ये मेरा गुरु है। आपको ये लग रहा है कि ये अपलाइन तो मेरा नौकर है, मैं इसके नीचे काम करता हूं, मैं भले काम करता हूं लेकिन नौकर तो अपलाइन है ना। तो हम डिसिप्लिन ही मेंटेन नहीं करते। सेकेंड चीज है, जो दो चार पॉइंट है मैं इसमें बताऊंगा, अपने अपलाइन को पूरा रिस्पेक्ट दीजिए, अपने मेंटोर को पूरा रिस्पेक्ट दीजिए। उनके सामने कभी ऊंची आवाज में आप बात मत कीजिए। कभी अपने बच्चों को
अपने बाप के सामने चिल्लाते हुए देखा है बड़े जोर जोर से आवाज में, यदि वो चिल्लाता है तो पड़ोसी या लोग क्या कहते हैं, नालायक बच्चा ये है ना, जो अपने पिता की बात भी नहीं मानता और ऐसे चिल्लाता है। तो कभी अपने अपमान के सामने जोर से चिल्लाना नहीं है। यदि कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो उसके उनके आप कूल माइंडेड भी रख सकते हो कि सर रियल में मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन पता हम क्या करते हैं, अप्लाई ना, ये तो मेरा नौकर, इसको करना ही करना है, उससे झपटते हैं हम, कहते हैं आप और नहीं करोगे, कमाल है, कैसे नहीं करोगे, मतलब छुरी दिखा करके काम करवाते हैं, बंदूक दिखा करके काम करवाते हैं और सोचते हैं ऐसे ही करे। तो एक डिसिप्लिन बहुत होना जरूरी है वहां पे, आप एक थोड़ा सा कूल माइंडेड रहें, आप उनके सामने डिसिप्लिन होकर के बैठिए, है ना, किसी को क्रिटिसाइज मत कीजिए। डिसिप्लिन में एक ये भी आता है कि किसी की आलोचना में बहुत सारा टाइम हम उसी में लगा देते हैं, फलाना ये डेकाना ये क्रॉस लाइन में ये वो हो रहा है, वो तो ऐसे कर रहा है, वो तो ऐसे कर रहा है, बिल्कुल ऐसा ना करें। आपके जो मेंटोर हैं उनको सीरियसली फॉलो कीजिए। पता चला कि मान तो रखे हैं मेंटोर और पीछे से हम गालियां दे रहे हैं उनको और कह रहे हैं कि वो मेरा मेंटोर, वो तो करते ही नहीं आजकल, आजकल पता नहीं कहाँ रहता है, हमारे लिए तो मीटिंग ही नहीं दे रहा, आजकल गायब रहता है हमारे साथ। वो आपके मेंटोर आपने उनको नहीं माना है, आपने उनको नौकर माना हुआ है ना, उनको ड्राइवर की तरह चलाना चाहते हो आप, है ना। ड्राइवर क्या होता है, अरे गाड़ी लेके बैठा रहता है ना, तो पीछे से आता है वो, भाई गाड़ी चला, है ना भाई, बोले गाड़ी चला, वो बॉय अपलायन कहाँ है, चलो मेरे लिए मीटिंग दो, वो अपलायन कहाँ हो, चलो मेरे लिए प्रेजेंटेशन दो। अरे भाई आप खुद जा करके करो ना, डिसिप्लिन मेंटेन करो, 5 से 6 मीटिंग अपलायन आपका दे चुका है, तो डिसिप्लिन मेंटेन करो वहां पे। कभी भी बिजनेस कम हो या ना हो पाए तो फेलियर अपने आप को लीजिए, अपने को ब्लेम कीजिए, अपने अपलायन या दूसरों को ब्लेम मत कीजिए। परिस्थितियां जिम्मेदार हमारे को खुद होती है, किसी और को हम ब्लेम करते हैं, ये भी एक डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए। जनरली यहाँ पे हम बचते हैं अपने आप को, किसी और को ब्लेम कर दिए तो हम पाक साफ और शुद्ध बन जाते हैं और हमारे हमारे साथ कोई ऐसी चीजें अब होती है तो हम रिलैक्स मोड में चले जाते हैं, कंफर्ट जोन में चले जाते हैं कि दैट्स ऑल, मैंने बता तो दिया कि उसको ब्लेम कर दिया, आज मेरे नीचे बिजनेस नहीं हुआ, मुझे पता है कि मेरे अपलायन ने 5 प्लान दिखाने थे, दिखाए नहीं, वो मेरे साथ गया ही नहीं, तो बिजनेस कहां से होगा। आप अपने बिजनेस के मालिक खुद हैं, अपलायन का रोल सिर्फ आपका ये रहेगा कि वो डिसिप्लिन तरीके से आपको बिजनेस करना सिखाएगा, बिजनेस करने के तरीके बताएगा आपको, कैसे कपड़ा पहनना है, कैसे प्रेजेंटेशन फाइल लेना है, कैसे लोगों को प्रेजेंटेशन देनी है, कैसे फॉलो अप करनी है, ये सब सिखाएगा आपको, यहाँ डिसिप्लिन सिखाएगा। और ये सब जब आप सीख चुके हैं और अपलायन ने आपको सिखा चुका है, तो फिर भी यदि आपका बिजनेस कम होता है या नहीं हो पाता है, तो आप अपलायन को जिम्मेदार ना ठहरें, सोचें कि कुछ और नॉलेज और ज्ञान लें जिससे कि हम और आगे बढ़ पाए, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे फ्रेंड, कि फेलियर को जनरली लोग दूसरे के ऊपर थोपते हैं, बिजनेस नहीं होता तो पहला काम करेंगे, अरे वो सर पता है ना, वो आपको पता नहीं, वो नीचे वो फलाना रमेश है ना, रमेश कहाँ, निकम्मा साला, कुछ किया ही नहीं इस महीने, बिल्कुल बेकार सा निकला सर, बोला था 3000 पीवी का टारगेट लिया हूं, किया 300 पीवी नहीं। तो फेलियर को हम दूसरे को थोपते हैं और ब्लेम करते हैं, ये भी एक डिसिप्लिन का हिस्सा है। आप अपने आप डिसिप्लिन में रहें, फेलियर कोई आता है या कोई हल्का बिजनेस आता है, कम होता है, तो अपने आप को जिम्मेदार मानिए कि शायद मेरे को प्रेजेंटेशन और देखना पड़ेगा, राइट। किसी भी तरह का निगेटिव पास आउट मत कीजिए अपने डाउनलाइन और अपने क्रॉस लाइन को, कभी निगेटिव बात करनी ही नहीं है, हमेशा एनर्जेटिक और स्मार्ट बन करके रहनी है। कभी कभी क्या होता है, मैं किसी डाउनलाइन से बात करता हूँ तो मैं खुद अपने लग जाता हूँ कि आज क्या उद्देश्य था यार मैंने इससे बात कर ली, क्योंकि वो इसने ब्लेम और कहते हैं ना कि इतनी झड़ी लगा दी उसने, ऐसे नहीं हो रहा, वो ऐसे नहीं कर रहा, फलाना नहीं ऐसे कर रहा है, वो नहीं ऐसे कर रहा। भाई मैंने पूरी सिस्टम आपको दी हुई है सर, आप सिस्टम से चलिए ना सर, आप किसी और के निगेटिव्स डाउनलाइन हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, आप उनके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो ये सब किसी तरह का निगेटिव पास आउट नहीं करना है और किसी को ईगो को हर्ट नहीं कर रहा है, ये भी डिसिप्लिन से बाहर होने की बात है, अनुशासन से बाहर चले जाते हो, किसी को ईगो का आप हर्ट करते हो, बाकी आपका अपलाइन हो या आपका डाउनलाइन हो, सबके आत्म सम्मान मान सम्मान का थोड़ा सा ध्यान रखें आप। ये सब चीज थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे ना, तो आप एक प्रोफेशनल ट्रेनर बनेंगे, आप एक प्रोफेशनल नेटवर्कर बनेंगे। यदि ये सब चीज आपके अंदर है तो समझिए कि आप एक प्रोफेशनल तरीके से नेटवर्किंग करना स्टार्ट किए हैं और सफलता की गारंटी है कि आपको सफलता मिलेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मैं जाऊंगा कि हमेशा एक सेल्फ बिलीव रखिए अपने अंदर, है ना, अपने अंदर एक आत्मविश्वास जगाइए और एक सकारात्मक सोच अपने अंदर बनाकर रखिए। एक प्रोफेशनल नेटवर्कर हमेशा पॉजिटिव रहता है, वो हमेशा सकारात्मक सोच में रहता है, कभी भी वो निगेटिव थिंकिंग की तरफ नहीं जाता, वो ना उसकी किताब में कहीं होता ही नहीं है। तो यदि एक बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं या वेस्टी जैसे प्लेटफॉर्म पे आप सफल होना चाहते हैं, तो
तो अपने आत्मविश्वास को बढ़ाइए, अपने आत्मविश्वास को बड़ा कीजिए, अपने अंदर की सकारात्मक सोच को हमेशा बनाए रखिए, तभी आप किसी के बीच में रहेंगे तो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहेंगे और बिजनेस भी आपका बहुत बड़ा होगा। सेल्फ बिलीफ, मैं आपको बता दूं, एक प्रोफेशनल नेटवर्कर में सबसे बड़ा रोल अदा करता है, वही आत्मविश्वास आपको जीत दिलाता है। कभी आप अपने अंदर कोई निगेटिव चीज मत लाइए। जनरली वर्ल्ड में ज्यादातर 90% लोगों को कहा जाता है कि वो निगेटिव थॉट्स रखते हैं, तो ज्यादातर हमें बाहर लोग निगेटिव ही मिलते हैं। अब 90 से 95% लोग तो पहले निगेटिव हैं और हम भी निगेटिव होके बैठे तो हम जाकर के आगे क्या करेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि यहाँ एक सकारात्मक सोच हमेशा एक नेटवर्कर के पास होना चाहिए। देखते हैं, मेरे पास कभी भी कॉल आ जाता है, ये आप सुन तो लिया है आपने, मुझे पता है 2 दिन के बाद ही कॉल करोगे, आपका आत्मविश्वास डगमगाने लग जाएगा, तुरंत फोन करोगे, सर मुझे लग रहा है ना सर वो नहीं हो पाएगा सर, वो आपका सेल्फ बिलीफ डमाडोर हो रहा है, सर वो तो था सर लेकिन एक प्रॉब्लम आ गया सर, मजबूरी आ गया। और मैं सबको कहता हूं कि आपकी प्रॉब्लम और आपकी मजबूरी परेशानियां जब तक बार बार रिपीटेडली अपलाइन के पास आ रहा है, इसका मतलब आपके अंदर सेल्फ बिलीफ की कमी है, सकारात्मक सोच की कमी है और आपने अभी सिस्टम में एक एज ए अपलाइन नहीं बने हो, एक मेंटोर बनने लायक अभी क्वालिटी आपके अंदर नहीं आई है। मेंटोर आपको अपने लेवल पे ही सारे डॉट्स एंड ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहा जाता है कि वेस्टी जैसे प्लेटफॉर्म में सेल्फ बिलीफ और पॉजिटिव थिंकिंग बहुत बड़ा रोल अदा करता है। 6 महीने लगातार अपने मेंटोर के साथ रहने के बाद, अपने गुरु के साथ रहने के बाद, अपने ग्रेट एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के साथ रहने के बाद भी यदि आप अपने मेंटोर और अपने अपलाइन को बार बार ढूंढ रहे हो, महीने में एक आध दो बार वैसे वार्तालाप कर लिया, वेस्टेज बिजनेस के लिए ढूंढ रहे हो, इसका मतलब कि आपने वेस्टेज में अपने आप को लर्निंग में फोकस किया ही नहीं कभी। 6 महीने के बाद भी यदि आपको अपलाइन याद आ रहे हैं, बार बार मीटिंग दे दो जी, बार बार सेमिनार दे दो जी, तो इसका मतलब आपने जो फंडामेंटल्स हैं जो अपलाइन ने सिखाया वो कभी सीखा ही नहीं आपने। तो ये सेल्फ बिलीव और पॉजिटिव थिंकिंग आपके अंदर होना चाहिए हमेशा से। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मैं जाऊंगा, बहुत बड़ा, ये मेरा फेवरेट स्लाइड है कि जब आप एक प्रोफेशनल नेटवर्कर बनते हो तो कम्युनिकेशन गैप 0 होना चाहिए। आपके और आपके डाउनलाइन या डाउनलाइन और अपलाइन के बीच का जो वार्तालाप है, कम्युनिकेशन है, वो 0 होना चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको 0 रखने के लिए? ऑलवेज अटेंड कॉल्स। जब भी अपलाइन का कॉल आता है डाउनलाइन के पास तो उनको कॉल उठाना चाहिए, और डाउनलाइन का कॉल आता है अपलाइन के पास तो उनको कॉल उठाना चाहिए। कॉल हमेशा अटेंड कीजिए। यदि आप बिजी हैं कहीं तो आप मैसेज छोड़ सकते हैं, लीव मैसेजेस यदि आप बिजी हैं तो। हमेशा अलर्ट और कॉन्फिडेंट रहिए कॉल करते समय। जब आप बात कर रहे होते हैं अपने अपलाइन से या अपने डाउनलाइन से तो हमेशा अलर्ट रहिए और कॉन्फिडेंट रहिए, आत्मविश्वास से लबालब भरे रहिए आप, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे लीडर हैं आप, और एक लीडर को किसी डाउनलाइन ने फोन मिलाया है और आप बुझे हुए थके हुए की तरह रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, उनको कुछ भी अलर्ट नहीं कर पाएंगे आप। तो हमेशा अलर्ट और कॉन्फिडेंट रहें। कैसे? माइंड ब्लोइंग, बहुत मजा आ रहा है आजकल, मैं स्प्रिना लेता हूँ, मैं गुंडरमा लेता हूँ, मस्त हूँ मैं आज, बहुत बढ़िया, आप बताइए आपका क्या हाल है। तो हमेशा अलर्ट और कॉन्फिडेंट रहिए कॉल के दौरान। कोई क्वेरी आता है आपके पास, कोई प्रश्न आता है, तो उसको पीसफुली सोल्व कीजिए, आप उसको सोल्व कीजिए तरीके से, आराम से, कभी उसके ऊपर चिल्ला चिल्ली नहीं करनी है, ये कैसे नहीं हुआ, मैं बताया तो था पहले। उस चीज को आप बता सकते हैं, सर ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सर ये ऐसे होता है, अब पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आपने बोल दिया, तुमको पता है कि हमें पहले भी बताया गया है, नेक्स्ट टाइम से वो ध्यान रखेंगे। तो थोड़ा सा पीसफुली आप उनको सारे क्यूरीज और सोल्व कीजिए, राइट। और कॉल जब भी एंड कीजिए तो हमेशा हाई नोट पे एंड कीजिए, मतलब मस्त आप कीजिए एकदम कि एकदम ऐसा वैसा, सर ये टारगेट ये करके रहेंगे, तो आप इसे हाई नोट में हमेशा सकारात्मक तरीके से कॉल को नोट कीजिए, एंड कीजिए। आप हमेशा एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में कॉल को खत्म कीजिए कि वो भी सेटिस्फाइड है, आप भी सेटिस्फाइड है, ऐसे में कॉल को खत्म कीजिए। कितने लोग होते हैं, करा बात कर, हाँ ठीक है सर रखो, हाँ ठीक है सर रखो, तो ऐसे नहीं करना, आपने आराम से ठीक है सर अब मैं कॉल रख सकता हूँ, यदि आपने कॉल किया है तो, है ना, कि क्या सर मैं आप कॉल रख सकता हूँ, मैंने मुझे लग रहा है कि मैंने अपनी सारी बातें आपके सामने रख दी है, सारी बातें कर ली है सर। और जब भी कॉल करें तो कॉल के दौरान सबसे पहला आपको पूछना है कि सर आज अभी आप बिजी तो नहीं है सर, यदि आप कॉल कर रहे हैं तो। ये कॉल करने के भी तरीके हैं, कॉल करते पूछे कि सर आप बिजी तो नहीं है, वो बताएगा कि बिजी हूं कि नहीं, बोले यदि बिजी नहीं है तो खुद कहेगा नहीं सर अभी बिजी नहीं हूं सर, बताइए क्या बात है, वो खुद बोलेंगे। तो ये पूछना जरूरी है, है ना। और यदि वो बिजी रहेंगे तो बता देंगे ठीक है सर अभी थोड़ा सा मैं बिजी था सर, मैं आराम से आपको कॉल करता हूँ, या सर आप मुझे 10 मिनट के बाद कॉल बैक करें। तो ये सिर्फ थोड़ा सा कम्युनिकेशन बनाने का तरीका है।
अब कितने लोग क्या होता है कि जैसे अपलाइन को फोन किया और अपलाइन ने कभी मैसेज डाल दिया उसमें कि आई शैल कॉल यू लेटर, मैं थोड़ी देर के बाद कॉल करूंगा, फिर भी वो धनाधन कॉल मारे जा रहा मेरा अपलाइन कैसे नहीं सुनेगा, देखता हूं मैं। और जब कॉल दो बार चार बार करने के बाद नहीं उठाता तो फिर वही लाठी लेकर के, कल देखा था ना 5 बार कॉल किया था मैंने, आपने उठाया नहीं था, मतलब बिजनेस, और बिजनेस करे हो जाएगा कैसे हो जाएगा, तो मतलब पता ही नहीं उनको कम्युनिकेशन को, उन्होंने बिल्कुल कहते हैं ना गाजर मूली समझ रखा उन्होंने। एक तरीका, एक सब चीज का नियम कानून है जिसके अनुसार आपको चलना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद भी मैसेज नहीं आता कॉल तो फिर दिक्कत है ना, तो आप खुद अलर्ट रहें कि कभी कोई कॉल मिस ना हो। मुझे आज भी याद है कि मोइन खान सर जैसे शख्सियत जो 6-7 लाख पे आउट पे, कभी उनका कॉल ना, कभी स्विच ऑफ रहता, हमेशा कॉल उठाएंगे आपको। बहुत सारे नेटवर्क का तो मैं देखता हूँ कि फोन ही स्विच ऑफ रहता है, कभी बहाना बनाएंगे कि मेरा बैटरी डाउन हो गया, तो मेरा कभी मोबाइल गायब हो गया, तो मेरा मोबाइल में ये सिम नहीं आ रहा था, वो सिम नहीं है, तो नेटवर्किंग कर क्यों रहे हो, छोड़ दो ना। फिर जब एक हथियार तुम्हारे पास नहीं है तो फिर कैसे लड़ोगे आप। और कम्युनिकेशन सबसे बड़ा हथियार है, नेटवर्किंग में वही कामयाब होंगे जो एक एक सेकंड में कॉल पिक करते हो और एक एक सेकंड में कॉल करते हो, कभी भी कम्युनिकेशन गैप को हमेशा वो 0 बना करके रखते हैं, वही कामयाब बनते हैं। और आपने इसको बड़ा आराम से समझ रखा है, डाउनलाइन ने फोन किया, चलो भाई आराम से बात कर लेंगे ना, कोई इशू नहीं है, है ना, डाउनलाइन का ही तो फोन है, किसी शेर का फोन थोड़े ना आ गया, कर लेंगे आराम से बात कर लेंगे, जब तसल्ली से कर लेंगे, क्या बिजनेस बड़ा कर पाओगे। अरे कितने अर्जेंसी है उनको बात करना, कितना इंपॉर्टेंट है, कितने जल्दी में है, आपको पता है। तो आपको कॉल को, किसी को कॉल को आप हल्के में ना लें, कॉल करें तो सब तरीके से आप उनको कॉल को अटेंड करें, आप उनका जवाब दें, आप कभी फोन बंद ना रखें, आप हमेशा, आप कभी कोई ऐसा बिजी आ गया तो बात अलग है, नहीं तो आप हमेशा अर्जेंट में रखें कि हर एक डिस्ट्रीब्यूटर का कॉल मेरे लिए अर्जेंट है, तो आप जान पाएंगे कि कम्युनिकेशन गैप बनाना बिल्कुल 0 रखना है, कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल 0 होना है, एक कॉल अवे रहेगा आपका डिस्ट्रीब्यूटर, यदि कॉल नहीं पिक किया आपने किसी कारण, बस इमीडिएट कॉल करें आप, राइट। मुझे उम्मीद है कि ये कम्युनिकेशन वाला पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा और नेक्स्ट टाइम से आप ध्यान रखेंगे, राइट। नेक्स्ट जो लास्ट ही जूम होगा शायद मेरे लिए, ये आप लोगों के बीच में हाल फिलहाल के दिनों में, कि कम से कम एक जूम मीटिंग डेली अटेंड कीजिए, बल्कि वो CNT का हो, चाहे VIP मीटिंग हो, या सक्सेस सेमिनार हो, या LDP हो, कोई भी चीज हो, आज की तारीख में जूम पे सब कुछ अवेलेबल है। कोशिश करें कि जूम की कोई भी मीटिंग आप ना छोड़ें, एक भी मीटिंग जूम का ना छोड़ें, यदि आपको एक प्रोफेशनली ट्रेंड होना है तो। और इन सब चीजों को अपने टीम को भी साथ में कनेक्ट करवाइए, यदि एक प्रोफेशनल नेटवर्कर बनना चाहते हैं तो मैं कहता हूं एक जूम मीटिंग 1 साल के बाद आपको यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बना सकता है। मैं आपको बता दूं, A1 जूम मीटिंग इन अ डेली। अभी भी कई लोगों से बात करता हूं कि 2 बजे वाले सेशन में क्यों अवेलेबल नहीं हुए, सर मैं बिलिंग के लिए गया था, मैं सर यहां गया था, मैं सर ये प्रॉब्लम में फंस गया था, मैं सर काउंटर पे था, तो मैं सर यहां था, मतलब उनको सीखना, उनको जैसे लग रहा है ना कुछ है ही नहीं, कोई प्रोसेस ही नहीं है, वेस्टेज यूं हो जाएगा, आप ऐसे जैसे मर्जी वैसे हम कर लिए वेस्टेज को। आपको पता है एक एक प्रेजेंटेशन, एक एक स्लाइड हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, तो हम सोच समझ कर लेकर आते हैं, हमें पता होता है आपके साथ हमें क्या बात करनी है, और हमें पता होता है कि आप कामयाब कैसे बनोगे, और वो तरीका हम आप लोगों को बताते हैं, तभी आप एक मुकम्मल और कामयाब इंसान बनते हैं। तो बहुत जरूरी है कि डेली एक जूम मीटिंग आप अटेंड करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आज का सेशन जो मैंने आपको दिया कि एक प्रोफेशनल नेटवर्कर बनने के लिए आपके अंदर वो आरंभिक चीजें, ये सारी चीजें नहीं थी, ये आरंभिक प्रिलिमिनरी, ये बेसिक चीजें क्या क्या थी ये आपको पता हुआ होगा। और मैं मानता हूं कि ये सारी चीजें आप बिल्कुल सीरियसली इसको एज ए अप्रोच करेंगे और बढ़िया नेटवर्कर बनकर निकलेंगे, प्रोफेशनली ट्रेंड होकर निकलेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि ये काम आप बखूबी कर पाएंगे आने वाले दिनों में, और ये काम जब आप कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आप बहुत अच्छे नेटवर्कर बनकर निकलेंगे। आप ये सारी चीजें आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल में लेकर के आया था कि एक प्रोफेशनल नेटवर्कर बनने के लिए आपको कौन कौन सी चीजों और कौन कौन से मापदंड पे आपको खरा उतरना पड़ता है। मुझे पूरा विश्वास है कि इन सब चीजों को आप पूरी तरह से गौर करेंगे आने वाले दिनों में और बहुत अच्छा बिजनेस करके दिखाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि मेरे डिस्ट्रीब्यूटर में अपने, मेरे बच्चे, मेरे चहेते, जितने आप लोग सुन रहे हो, मेरे दिल के अजीज, मेरे प्यारे, सब बड़े अच्छे हो आप लोग। और मुझे पता है पूरी दुनिया में आप जीतने के लिए आए हो, और जीतोगे तभी आप जब एक बड़े लेवल पे आप अच्छा काम करोगे, राइट, और एक प्रोफेशनल नेटवर्कर बनने की कोशिश करोगे। तो ये सेशन हमारा आज का सेशन था कि एक प्रोफेशनल नेटवर्कर हम कैसे बनते हैं, और इस सेशन में आप जान पाए होंगे हकीकत में
कि एक प्रोफेशनल नेटवर्कर बन करके हम कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। अगले 3 साल में जो हमने सोचा है कि विदेश घूमेंगे, अगले 3 साल में सोचा है कि कम से कम 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपए महीने की इनकम होगी, अच्छी सी कार पे घूमेंगे हम, ये सब कुछ जो आपने सोचा है ये आपको बिल्कुल सच होता दिखेगा कुछ दिनों के बाद, राइट। और मैं बड़ा आत्मविश्वास के साथ कहना चाहूंगा कि आप जितने मेरे 50 लोग से ज्यादा अभी भी हमारे बीच में हैं, मुझे सीरियसली मुझे पता है कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, और जब तक मैं सेशन एंड नहीं कर देता हूँ आप टिके भी रहते हैं। आपको पता है कि राजेश सर कुछ ना कुछ स्पेशल लेकर आते हैं, मुझे टिकना है, मुझे समझना है, मुझे जानना है, मुझे अगले 3 साल में 1 लाख रुपए महीने कमाना है, मुझे प्रोफेशनल नेटवर्कर बनना है, मुझे कुछ स्पेशल करके दिखाना है। ये सब चीजें आपके अंदर आता है तो आप बहुत बड़ा बिजनेस कर जाते हो आप, तो मुझे बिलीव ही नहीं, पूरा यकीन है कि आने वाले दिनों में एक प्रोफेशनल नेटवर्कर बनकर आप बिजनेस करेंगे और अपने कामयाबी की बुलंदियों पे जा पाएंगे, है ना। कहते हैं ना, होते हैं जिनके हौसले मिलते हैं उनको रास्ते, ये दुनिया नहीं है दोस्तों बुझ दिलों के वास्ते। तो हम ग्रेट हैं, हम हौसले वाले हैं, उमंग वाले हैं, तेज तरार हैं, और हम जीत करके दिखाएंगे। थैंक यू सो मच। ये सेशन था हमारा आज का, कैसे प्रोफेशनल नेटवर्कर बनते हैं, राइट। और अब जो मैं सेशन जो नेक्स्ट लेकर आऊंगा, जो हमारे पास